आज मैं आप लोगों के साथ आम की लौंजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आम की लौंजी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 3 स्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है, आप घी भी डाल सकते हैं। अब मैंने 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून पीला सरसों, 1/2 टीस्पून मंगरेला, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून सौंफ को ले लिया है और अब इसे अच्छी तरह से चटक जाने तक फ्राई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं यहाँ 300 ग्राम कच्चा कटा हुआ आम डाल रही हूँ। अब मैं इसे थोड़ी देर तक फ्राई कर लूँगी। अब मैं यहाँ 1/2 टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद यहाँ मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अब यहाँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाऊंगी और मैंने यहाँ 500 ग्राम गुड़ ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से चला लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं गुड़ धीरे धीरे गल रहे हैं। इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि आम अच्छी तरह से गल ना जाए और ये पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं आम के टुकड़े को चेक कर लूँगी, ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं यहाँ 1 टीस्पून ब्लैक साल्ट डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी आम की लौंजी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।